गांधी जी की और बाबा साहब अम्बेडकर की क्या लड़ाई थी? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के ढोर डंगर गांधी के खेती में जाके चरते थे और गांधी के ढोर डंगर बाबा साहब अम्बेडकर के खेती में जाके चरते थे और इस वजह से उनकी झगड़ा होता था? ऐसा कोई झगड़ा था क्या? न गांधी के पास कोई जमीन थी, न बाबा साहब अम्बेडकर के पास कोई जमीन थी, ऐसा तो कोई झगड़ा नहीं था। प्रतिनिधित्व का मुद्दा था, जिसके आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है, जिसके आधार पर सत्ता में शेयर मिलता है, ये सारा मामला था। कितने लोगों को समझ में आता है?